तो फाइनली मुझे एंड्रॉयड का ऑफिशियल वर्जन 1.16 GB 2021 9/18 यानी अभी हमको मिला है, अभी जस्ट अभी बिल्कुल रिसीव हुआ है। रियलमी 2.0 यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और मेरे फ़ोन में अभी देखिए इस टाइम पर एंड्रॉयड 11 ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। चलिए हम देख लेते हैं इसको, पहले चेक चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग ओपन करते हैं। यहाँ सीधे सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जाके हम लोग ओपन करते हैं सेटिंग को, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक यूज़र का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1। अबाउट फ़ोन में जाते हैं यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पर लोग चेक करते हैं, यहाँ देखिए हमारा एंड्रॉयड 11 वर्जन जो है इस टाइम पे रन कर रहा है। तो ये है एंड्रॉयड 11, ठीक है। तो एंड्रॉयड 11 ऑलरेडी यहाँ पर हमारे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी हमने पहले हमें अपडेट मिल चुका है। कब मिला था ये? तो ये मिला था हमें 5 जुलाई को, ठीक है। तो एंड्रॉयड 11 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब जो अपडेट अभी आई ऑफिशियल लॉन्च की अपडेट है, तो ये अभी मुझे रिसीव हुआ है ऑफिशियल लॉन्च का। यहाँ पे आपको दिखाया गया ऑफिशियल वर्जन 1.16 GB। अबाउट दिस अपडेट के बारे में बताया गया, रिलीज है इंक्लूडिंग एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस फिक्स सम इशू, जो कि व्हाट्सएप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था जब हम लोग वीडियोज़ को या फोटोज़ को शेयर करते फ्रेंड्स में, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, और एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, सिस्टम स्टेबिलिटी आ रही है। इसके बाद फिक्स किया गया है यहाँ पर प्रॉब्लम्स डेट द गेम स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। उसके बाद फिक्स किया गया यहाँ पर प्रॉब्लम को बैटरी का, ठीक है, आइकन डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इशू फिक्स किया गया वाइब्रेशन का, जो कि बटन व्हेन गोइंग बैक इन द सेम इन द बैक कैमरा, ठीक है, इंटरफेस में कैमरे में कुछ चेंजेस की गई, ऑप्टिमाइजेशन किया गया कैमरे में। स्टार्टअप स्पीड जो फिक्स की गई इसमें ऑप्टिमाइज किया गया, उसके बाद फिक्स प्रॉब्लम किया गया इसमें पोर्ट्रेट प्रीव्यू में, इंटरफेस में लैग आ रहा था उसको भी सही कर दिया गया। उसके बाद फिक्स इशू जो इसमें किया गया कैमरा में, जो कैमरा क्रैश हो जा रहा था बार बार, और कंटिन्यूसली शूटिंग के टाइम पर क्या होता है कैमरा ऑटोमेटिक क्रैश हो जा रहा था, ये भी दिक्कत को इसमें सॉल्व कर दिया गया है। चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे सीधे, और यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बता रहा है कि कंटिन्यू डाउनलोडिंग बोल रहा है, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग उसको डाउनलोड होने देते हैं, डाउनलोड होने के बाद हम लोग फिर से आएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से प्रोसेस करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस में होंगे, वो सारे के सारे चेंजेस मैं आपको फिर से बताऊंगा। एंड चलिए वेट करते हैं तब तक। तो यहाँ पर आ गया है फाइनली अपडेट नाउ का ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो तुरंत ही मेरा फ़ोन रिबूट होने लगेगा और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके पहले हम लोग एक प्रोसेस कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रियलमी अपडेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 बाई 1 किस तरीके से ये अपडेट प्रोवाइड की जा रही है। तो सीधे हम चलते हैं अपने फ़ोन में, तो मेरा फ़ोन है रियल मी XT 4/64 का वेरिएंट है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे आ जाएंगे, एंड यहाँ पर देखिए सीधे कलर ओएस U1 अभी भी है, यहाँ पर कलर ओएस 6.0 6.0 सेम। यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे, और इसको थोड़ा X सीरीज आ चुकी है, यहाँ पर रियल मी X का 1 पॉइंट अभी भी है, एंड X5, इसके बाद XT। देखिए यहाँ पर अभी सीधे सीधे अभी दिखा है UI 1.0, यानी अभी भी पुराना अपडेट ही है, ठीक है। और मुझे अभी इसका ऑफिशियली मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ अभी भी पुराना ही वर्जन शो कराएगा, लेकिन आपको किस तरीके से मिलेगा वो हम प्रोसेस अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिबूट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे और आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो आ चुके हैं सेटिंग में, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेटिंग का देखें सॉफ्टवेयर चेक हो रहा है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सीधे अपडेट करूँगा और मेरा फ़ोन रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है, चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से जाकर सेटिंग में। तो ओपन करते हैं हम लोग सेटिंग को, सेटिंग को ओपन करेंगे सीधी एंड क्लिक करते हैं सेटिंग पे।
स्क्रॉल करेंगे नीचे एंड यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पर। यहाँ पर देखिए मुझे नेट कनेक्ट करना है, चलिए नेट कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ पे देखिए शो कर रहा है यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको देखिए यहाँ पे सिस्टम अपडेट ट्राई नाउ सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा अपडेट टू RMX 1981। जो 1921 जो मॉडल है वो है रियलमी XT के लिए दिया गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11.F.03 आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इस बार, एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। एंड जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए रिफ्रेश हो रहा है, तो थोड़ा समय लगा। और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियली वर्ज़न जो था वर्ज़न अपडेट हो चुका है, आज है 18, देखिए यहाँ पे 9/18 ये इसका 2021 9/18 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अबाउट अपडेट के बारे में दिया गया, जो चीज़ फिक्स की गई है उसके बारे में दिया गया। और अगर आपको कुछ भी अगर विजिट करना है तो ज्वाइन कीजिए इनका डिस्कशन, इनका जो विजिट है वहाँ पर जाके http.crealme.com पर जा सकते हैं आप। और उसके बाद अगर आपको अभी भी नहीं मिला है, अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड 11 आ चुका है लेकिन उसका अभी ऑफिशियल वर्जन आपको नहीं मिला, तो किस तरीके से पा सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा पूरा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए ऊपर के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रायल वर्जन के लिए दिया गया ऑटो डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया। तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ओवरनाइट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए मोबाइल डेटा, अगर किसी का वाईफाई अगर है तो वाईफाई वाला मत कीजिएगा, आप लोग मोबाइल डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया मोबाइल डेटा या फिर आपका वाईफाई, फिर नीचे आया वाईफाई उसके बाद मोबाइल डेटा। तो मैंने मोबाइल डेटा पे क्लिक किया, जैसे ही मैं डेटा ऑन करूँगा तुरंत ही मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ लोग करते हैं वाईफाई के लिए, तो वाईफाई आप मत कीजिए, आपके पास एक्सटेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक ये भी है। और दूसरी ट्रिक ये है कि आप लोग जाके रियलमी के कम्युनिटी, आप जब भी रियलमी कम्युनिटी को ओपन करेंगे आप अपने लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के नाम से आता है। एंड यहाँ पे आप OS अपडेट में जाइएगा, वहाँ पर आप जाके अपना क्वेरी डाल सकते हैं कि मुझे अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। इस प्रोसेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला वो कमेंट कीजिएगा किन किन को नहीं मिला है, मॉडल नंबर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे किस तरीके से आपको अपडेट पानी है, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद। Yeah.